अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। आज हम लोगों ने पढ़ना है नेक्स्ट पैराग्राफ। टॉपिक है आप लोगों का मैजिक शो। पैराग्राफ नंबर 3 हम लोग रीड करेंगे। रीड करने से पहले सबसे पहले देखें व्हाट इज द मैजिशियन डूइंग नाउ। व्हाट जो है वो आप लोगों का देखें, व्हाट भी आपका इंटरैक्टिव है, इज भी आपका इंटरैक्टिव है, ठीक है। यहाँ भी इसको जब हम दोनों इंटरैक्टिव इकट्ठे आ जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं डिटेल इंटरैक्टिव मीन्स के डबल इंटरैक्टिव। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट को अगर लेते हैं तो हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब्स आर इंट्रोगेशन, ठीक है। इस भी आपका इंट्रोक्टिव सेंटेंस है। द मैजिशियन जादूगर ड्राइंग कर रहा है। नाउ मीन्स अब। नाउ जो है बेटा वो आप लोगों का है एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। नाउ जो है वो किसको शो कर रहा है आपका, एडवर्ब ऑफ टाइम। मीन्स किस तरह है, कहते हैं कि व्हाट इज द मैजिशियन ड्राइंग नाउ, क्या क्या मतलब होगा, जादूगर अब क्या कर रहा है, मीन्स कि इस वक्त क्या कर रहा है। तो नाउ जो है वो हमारा किसको शो करता है स्टूडेंट्स, एडवर्ब ऑफ टाइम को। ही इज टेकिंग, वो कर रहा है द हैट, टोपी ऑफ उतार रहा है इस हैट अपने सर से। ही इज टेकिंग, ये देखिए आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। ही इज टेकिंग द हैट ऑफ हिज हेड, कहते वो अपने सर से टोपी उतार रहा है। ही इज शोइंग, वो दिखा रहा है द हैट टोपी टू एवरी। स्टूडेंट्स जो एवरी है, एवरी मीन्स के हर एक को दिखा रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा ये आपका, ठीक है। ही इज शोइंग दैट है द हेयर टू एवरी वन, क्या कह रहा है कि वो हर एक को टोपी दिखा रहा है, मीन्स के हर एक को दिखा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव तकसीम में आ रहा है कि हर एक के पास बार बार जा रहा है या हर एक को दिखा रहा है। इट इज एब्सोल्युटली एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब होता है खाली। कहते हैं कि इट इज एब्सोल्युटली एम्प्टी, जब वो हर एक को दिखा रहा है तो वो क्या दिखा रहा है कि उसकी जो टोपी है वो खाली है। देयर इज नथिंग इन इट, स्टूडेंट्स जो नथिंग वर्ड है ये आपका इनडेफिनेट है, ठीक है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है ये आपका नथिंग, ठीक है। देयर इज नथिंग इन इट, इसमें कुछ भी नहीं है। जब वो आप सब को ऑडियंस को दिखा रहा है अपनी टोपी तो वो बिल्कुल खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। ही पुट्स, वो रखता है द हेयर टोपी ऑन हिज हेड, अपने सर पर, कहते वो अपने सर पर हैट रखता है। ही टेक्स इट ऑफ अगेन, वो इसे दोबारा उतारता है। ही टेक्स इट ऑफ अगेन, वो इसे दोबारा उतारता है। लो एंड बिहोल्ड, लो एंड बिहोल्ड जो है वो ये आपका फ्रेज का सेंटेंस है। लो एंड बिहोल्ड, देखो और मुशाहदा करो। देर इज अ पिजन, कबूतर सीटिंग बैठा हुआ है ऑन हिज हेड, उसके सर पर। ये देखिए पहले उसने अपनी टोपी दिखाई है तो वो खाली थी, दोबारा उसने जब ओपन उतारी है तो उसके नीचे से ये पिजन नजर आ रहा है। ये आप लोगों का पिजन निकला है उस टोपी के नीचे से। देयर इज अ पिजन सीटिंग ऑन हिज हेड, कहते हैं कि जो कबूतर है उसके सर पर एक कबूतर बैठा हुआ है, उसके सर पर एक कबूतर बैठा हुआ है। देखिए मैजिशियन के सर पर एक कबूतर बैठा हुआ है। एवरीबॉडी चेयर्स, एवरीबॉडी जो है वो आप लोग का इंडेफिनिट प्रोनाउन है स्टूडेंट्स। एवरीबॉडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। चेयर्स होता है दा देते हैं, मीन्स के जो वो बच्चे देख रहे हैं वो तालियां बजाकर उनकी तारीफ कर रहे हैं, मीन्स के उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। व्हाट इज अ मैजिशियन डूइंग नाउ, दोबारा वही सेंटेंस है जिस तरह आपका थर्ड वाला सेंटेंस स्टार्ट हुआ था, थर्ड वाला पैराग्राफ का, उस तरह आपके फोर्थ वाला पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है। व्हाट इज अ मैजिशियन डूइंग नाउ, अब जादूगर क्या कर रहा है, मीन्स उस तरह नाउ को आपने एडवर्ब ऑफ टाइम में ले जाना है और ये आपका इंट्रोक्टिव क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि अब जादूगर क्या कर रहा है। ही इज शोइंग, वो दिखा रहा है इज एम्प्टी, अपने खाली, पॉकेट मीन्स जेब, टू एवरीबॉडी, हर एक को। एवरीबॉडी का आपने ऊपर किया था, एवरीबॉडी जो है वो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, इसलिए यहाँ पे भी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन ही यूज होगा। ही इज शोइंग हिज एम्प्टी पॉकेट टू एवरीबॉडी, कहते वो अपनी खाली जेब हर एक को दिखा रहा है। ही बोरोस, वो उधार लेता है, ये आपका प्रेजेंट और प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस ही सिर्फ आप लोगों का सेंटेंस चल रहा है। ही बोरोस, वो उधार लेता है हैंकरचीफ हम बोलते हैं रूमाल को, फ्रॉम से वन ऑफ द ऑडियंस। ऑडियंस हम किसे बोलते हैं, हाजरीन को, जो वहां पर बैठे होते हैं ऑडियंस, नाजरीन जो होते हैं।
कहते कि वो नाजरीन में से सामियन में से एक का रुमाल उधार ले लेता है। ही पुट्स वो से रखता है द हैंगर चीफ रुमाल को इन हिज पॉकेट अपनी जेब में एंड टेक्स इट आउट अगेन और इसे दोबारा बाहर निकाल लेता है। जब स्टूडेंट्स वो किसी नाजरीन हाजरीन वगैरह से ऑडियंस से किसी एक से रुमाल उधार लेता है तो उसे अपनी जेब में डाल लेता है और उसे दोबारा निकालता है। तो लो एंड बिहोल्ड दोबारा फ्रेज का सेंटेंस है कि देखो और मुशाहदा करो देर आर हैंकर चीफ्स कमिंग आउट ऑफ हिज पॉकेट्स वन आफ्टर अनदर। अब देखें जब उसे निकाला है रुमाल जेब से तो एक रुमाल नहीं है, ये आपको नजर आ रहा है। ये देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा कि जो रुमाल जो इसकी जेब से जो रुमाल निकल रहे हैं रुमाल एक के बाद दूसरा रुमाल निकल रहा है, मीन्स कि उसने अपने पॉकेट में एक ही रुमाल डाला था और वो एक नहीं है निकल रहा। ये देखें काफ़ी ज़्यादा निकल रहे हैं, एक के बाद एक रुमाल बाहर निकलता जा रहा है। एवरी वन हर एक चेयर्स गा देता है द मैजिशियन जब करके एवरी वन चेयर्स द मैजिशियन। कहते कि यहाँ पे जो आप लोग का हर कोई जो है वो जादूगर का दा दे रहा है। तो यहाँ पे जो एक के बाद एक आ रहा था तो एनदर जो आप लोग का वर्ड है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। एनदर क्या है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। जब मैजिशियन जो है वो एक के बाद एक रुमाल बाहर निकालता जाता है तो हर कोई वहाँ बैठा इसकी दा देता है। स्टूडेंट्स ये आपके टू पैराग्राफ्स हैं और ये आपका रीडिंग क्वेश्चन क्या है। रीडिंग क्वेश्चन है व्हाट डिड द मैजिशियन डू विद द हैंगर चीफ। रीडिंग क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आप लोगों को ये जो पैराग्राफ नंबर 3 और 4 आप लोगों ने रीड किया है इसके वर्ड्स मीनिंग सीखें। सबसे पहले आप लोगों का ऑफ, ऑफ होता है उतारना, ठीक है। एब्सोल्युटली बिल्कुल, एम्प्टी मीन्स खाली, पुट्स रखता है, अगर पुट करेंगे आप लोग तो रखना होगा, पुट्स है तो रखता है। बोरोज उधार लेता है, हैंकरचीफ रुमाल ऑडियंस नाजरीन भी बोलते हैं और हाजरीन भी बोलते हैं। रीडिंग क्वेश्चन देखें आप लोग, व्हाट डिड द मैजिशियन डू विद द हैंकरचीफ। जादूगर ने रुमाल के साथ क्या किया या क्या कर रहा था। ही पुट द हैंकरचीफ, उसने रुमाल रखा इन हिज पॉकेट अपनी जेब में एंड टुक इट आउट अगेन और इसे दोबारा बाहर निकाला। देयर वर अ नंबर ऑफ हैंकरचीफ्स कमिंग आउट ऑफ हिज पॉकेट। तो उसने जो एक रुमाल अपनी जेब में रखा था तो उसने एक रुमाल नहीं बल्कि एक के बाद एक रुमाल बाहर निकाल रहा था। कैसे निकाल रहा था ये देखिए पिक्स में आप लोग देखें। यहाँ पे देखें आप लोग जादूगर जो है उसने अपनी जेब में ये मीन्स के पॉकेट में एक रुमाल डाला था और ये अपनी जेब से एक नहीं मीन्स के एक के बाद एक रुमाल बाहर निकाल रहा है। आप लोगों ने ये पैराग्राफ 3 और 4 वाला करना है, साथ आप लोगों ने वर्ड्स मीनिंग्स क्वेश्चंस करने हैं। डायरी क्या है आप लोगों की, ट्रांसलेशन लर्न करनी है, रीडिंग क्वेश्चन आपने लर्न प्लस राइट।